राम राजा की नगरी ओरछा के भ्रमण के क्रम में अब हम पहुंच गए हैं ओरछा किले में। ओरछा का ये जो किला है इसका अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। क्या ये इस किले में, अगर आप ओरछा की यात्रा पर आते हैं और इस किले को नहीं घूमते हैं तो ये यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। ओरछा में राम राजा मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, जो राम राजा मंदिर का महत्व है, उस महत्व को किले से जोड़कर ही देखा जा सकता है। और जैसा कि हमने पहले मंदिर के भ्रमण के दौरान जहाँ चतुर्भुज मंदिर था और राम राजा मंदिर था उसके बातचीत के क्रम में जब हमने बताया था कि ये किले से ही रानी ने एक ऐसी इमारत बनवाने का काम किया था मंदिर के रूप में जहाँ से किले से ही मंदिर के दर्शन हो सकें, भगवान के दर्शन हो सकें। तो इस किले का क्या महत्व है, कैसे ये किला बना, किन राजाओं ने बनवाया, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओरछा के इतिहास के जो जानकार हैं, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह राय। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, क्या है इस किले का ऐतिहासिक महत्व और कब का बना हुआ है, कब किन राजाओं ने इसको बनवाया? मैं रामराजा नगरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी है गढ़कुंडार। गढ़कुंडार की दूरी यहाँ से 53 किलोमीटर दूर, काशी बनारस से चल के प्रथम राजा था हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर है बिंदवासिनी देवी जी का मंदिर। उनका पूजा याचना करने के बाद उनके फैमिली मेम्बर थे महाराजा मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ वो शिकार करने के लिए आते थे। आप जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह ये देख रहे हैं, ये विधवा नदी के बीचों बीच है चारों तरफ से। आगे से विधवा नदी का आर्टिफिशियल ब्रिज है, पीछे है मेन नदी विधवा और जामनी। तो विधवा जामनी का पीछे संगम है, यहाँ तो जंगल हुआ करता था उस जगह जहाँ अपन खड़े हैं। तो यहाँ पे एक ऋषि थे जिसका नाम था तुंगारण। राजा रुद्र प्रताप सिंह आके उनसे मिलते हैं, कहते महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दे दें तो हम यहाँ कुछ महल बनाएंगे। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना। तो पहले भी लोग बाघ कुत्ते को पालते थे, आज भी पालते हैं। रास्ता पे जब अगले दिन राजा भूमि पूजन के लिए जाते हैं तो रास्ते में जाते समय उन्हें एक जंगली जानवर मिलता है, उस पर वो अपने डॉग को पकड़ने के लिए बोलते हैं ऊंच-ऊंच करके, ऊंच-ऊंच करके। तब राजा उनके पास पहुंचे, वे कहते कौन सा सब यूज हुआ है, वे कहते ऊंच-ऊंच। उस ऊंच-ऊंच को सुधार करके उन्होंने जगह का नाम दिया था ओरछा। फिर उन्होंने ओरछा का विस्तार करा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो किला है जो पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, उत्तर में छोटे छोटे मंदिर, और दक्षिण में है नदी किनारे छतरी। छतरी हम इस चीज को बोलते हैं, जितने राजाओं ने यहाँ शासन करा है उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी वहाँ जलाई गई है। अच्छा। और जिस राजा की बॉडी जहाँ जलाई गई है उसी के नाम से छतरियाँ बनी हैं। उस टाइम की आबादी थी 50,000, अभी वर्तमान की आबादी है 12,000। तो सबसे पहले महल बना राजा महल। कहाँ की आबादी बता रहे हैं? ओरछा की, अभी वर्तमान की 12,000। हाँ, ओरछा कई बार कम हो गई। हाँ, उसमें से भी 7,000 बाहर के लोग हैं, 5,000 लोकल के। तो सबसे पहले महल बना था उस पीरियड में राजा महल, 1531 से 54 से 92 तक तीन राजाओं ने बनाया, रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद, मधुका साय। मधुका साय के 8 लड़के थे, 8 में से दूसरे नंबर के राजा थे वीर सिंह जू दे बुंदेला, जिन्होंने पूरे बुंदेलखंड का विकास करा। जहांगीर महल, झांसी का किला, लक्ष्मी मंदिर, इस तरह से उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में। वीर सिंह जू देव तो मंदिरों को बनाने के लिए ही जाने गए ना, उन्होंने देश के तमाम इलाकों में मंदिर बनवाए। वीर सिंह जू बड़े धार्मिक प्रकृति के राजा थे, इन्होंने अयोध्या में भी दान दिया है, वृंदावन में भी 81 धन सोना दान दिया था, वहाँ भी मंदिर बने हैं, यहाँ भी बने हैं, वृंदावन में घाट बने हैं। इन्होंने पूरे बुंदेलखंड में विकास किया और भारत के कई तीर्थ स्थलों पर भी स्वर्ण दान किया। ये बहुत प्रवृत्ति के थे, लेकिन इनके पिता थे जो मधुका साय, वो थे भगवान कृष्ण उपासक, और जो उनकी रानी थी वो थी भगवान राम उपासक। एक दिन दोनों जनों में व्यंग हो गया तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए? रानी कहती है हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आना, वरना मत ही आना। तब राजा वृंदावन गया था और रानी अयोध्या। रानी का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी और राजा का नाम था मधुका साय। तो राजा वृंदावन जब पहुँचा तो वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ था। तो जब रानी अयोध्या पहुँची तो दर्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पर सरयू नदी के किनारे 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा किया, भगवान प्रकट नहीं हुए। तो रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की, ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हुए। वो कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं,
मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये कि एक बार जहाँ बैठेंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये जहाँ के राजा राम हम रहेंगे वहाँ के आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक दिन होता है, 27वें दिन हिंदी महीने में। तब वो भगवान राम को लेके आई, तो जो बाहर चतुर्भुज मंदिर है वो था एक्चुअली में राम राजा मंदिर के लिए बनाया जा रहा था, राजा मधुका साय और रानी कुंवर गणेशी के द्वारा। लेकिन रानी जब भगवान राम को लेके आई तो उनकी तीन कंडीशन थी। पहली थी एक बार जहाँ बैठेंगे उठेंगे नहीं। दूसरी थी जहाँ राजा राम हम रहेंगे वहाँ राजा आप नहीं रहेंगे। तीसरी कंडीशन ये अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा होगी। वो कंडीशन ऐसी थी कि भगवान को मंदिर में बैठा देंगे तो रानी राजा महल से दर्शन कर लेंगी। यहाँ से डायरेक्शन में विंडो बनी है, लेकिन मंदिर बन नहीं पाया था, वो भगवान जी आ गए। अब रानी ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने रानी महल के किचन में जाके भगवान को विराजमान करा दिया, जो रसोई का घर है। अब मंदिर बना तो रानी ने सोचा भगवान को फिर उनकी जगह पे बैठा दें, लेकिन भगवान के तो कंडीशन था तो वो वहीं बैठ के रह गए, वहाँ से हिले नहीं। तो उस जगह का नाम हो गया राम राजा मंदिर, और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसमें द्वारा विष्णु जी की स्थापना। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चतुर्भुज मंदिर है इसको पहले कृष्ण मंदिर के तौर पर राजा बनाना चाह रहे थे। ये देखो क्या था, भगवान हमने बताया ना राजा कृष्ण उपासक और रानी राम उपासक, तो इसलिए से बन गया। अब लेकिन जब रानी की और राजा के बहस हुआ तो उपलक्ष्य में प्लान चेंज हुआ, तो जो राजा राम गिला ने मंदिर बना था वो वर्तमान में विष्णु जी को रानी ने बैठा रहा, तो वो चतुर्भुज मंदिर। ये जो यहाँ जो कृष्ण मंदिर बनना था वो पन्ना चला गया था जुगल किशोर मंदिर के नाम जी। ये जो कहानी है ये यहाँ के जो पंडित हैं वो भी बताते हैं, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से अगर आप हमें थोड़ा सा कालक्रम के हिसाब से बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, 1526 में बाबरी मस्जिद बनती है अयोध्या में मंदिर को ध्वंस करके, इसके बाद 1574 में रानी अयोध्या में ओरछा की जो रानी गणेश कुंवरी है वो 1574 में वो ओरछा अयोध्या में तपस्या करके भगवान राम को वहां से लेकर आती हैं। और ऐसा इतिहासकारों के हिसाब से बताया गया है कि 1575 में यानी 8 महीने कुछ दिन की यात्रा तय पूरी करके ओरछा पहुंचती हैं। ये जो 50 साल का अंतराल अयोध्या में आ रहा है कि 1526 में जाके बाबरी मस्जिद बनती है, यानी मुगल शासक मंदिरों को तोड़ रहे थे, और उसी बीच में इन मंदिरों की जो मूर्तियां थीं, जैसे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भगवान राम की मूर्ति को सरयू में छुपा दिया गया था, इनमें कितनी सत्यता है और इतिहासकार इस चीज़ को लेके कितना इसको ऑथेंटिक मानते हैं? इतनी तपस्या थी उनकी, बहुत बड़ी कहानी है, उनकी माँ भी भगवान राम भक्त थी। सुनो इतिहासकार जो इतिहास में ये जो किताब है ओरछा इतिहास पे लिखा गया है, बुंदेलखंड का प्रॉपर इतिहास को गमन किया गया है, या का कहीं मिलता नहीं है। जो इतिहास की बात है गजेटियर में लिखा है, उस गजेटियर के अनुसार देख रहे, थोड़ा बहुत पढ़ने मिला है, सुनने मिला है, प्रशिक्षणों में मिला है, जो एथेटिक स्त्री है जो यहाँ की कहानी है उसको थोड़ा दरकिनार करा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अयोध्या या दूसरी जगहों पर मंदिरों पर आक्रमण हो रहे थे, बुंदेलखंड की तरफ क्या इसको एक सुरक्षित इलाका माना जाता था? मुगल इधर की तरफ क्यों नहीं आते थे, या दक्षिण की तरफ क्यों नहीं वो जा रहे थे? क्या वजह थी? यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी क्या? भौगोलिक परिस्थिति इसलिए थी कि बुंदेलाओं का पल्ला बहुत बड़ा भारी था, इसमें बहुत बड़े लड़ाकू हुए हैं। एक टाइम पे राजा जो चंपत राय थे, चंपत राय के लड़का थे 6 साल, ऐसे ऐसे समय में मुगलों के रूलिंग टाइम में, जैसे जब 1526 से 1530 में रहा बाबर का शासन तो वो अयोध्या तक सीमित रहा, और 1530 के बाद फिर हुआ अकबर का शासन। अकबर ने यहाँ कई बार हमले किए हैं, लेकिन उसके सारे हमले विफल रहे हैं। यहाँ का जो राजा थे बुंदेलखंड पे, उसने कई बार हमले किए हैं और वो कई बार यहाँ परास्त हुआ है, तो उसने क्या कराम करा है, और अकबर का है अकबर के कल मुगलों के सबसे प्रथम था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा से कोई, और लास्ट में बहादुर शाह जफर, और भी थे बीच में द्वितीय, तो उसमें मुख्य थे। तो उस टाइम पे थे यहाँ राजा वीर सिंह। तो अकबर क्या करता था, ओरछा पे हमला करता था, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाया, बार बार हार जाता था। वजह क्या थी? 1599 में वो जब दक्षिण की लड़ाई में विजय था, तो जो अकबर का लड़का था जहांगीर का ही नाम था सलीम, वो नूरजहां को चाहता था, तो वहाँ बाप बेटे में दुश्मनी थी, यहाँ राजा वीर सिंह में अकबर में थी, क्योंकि अकबर ओरछा को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन यहाँ के राजाओं का पावर ज़्यादा होने के कारण उसके कई प्रयास विफल रहे, तो वो यहाँ के राजा को मानना चाहता था और यहाँ पर सत्ता करना चाहता था। लेकिन उस बीच में यहाँ के राजा को भी एक मौका मिल गया, वीर सिंह को, वो जब दक्षिण में बिजी था
तो उसका पुत्र अपने पिता से बेमानस्ता मानता था, उसने पैसा मटेरियल लूट के इलाहाबाद जाके छुप गया। इलाहाबाद पे यमुना नदी किनारे किला है, वहाँ रहने लगा और अपने पिता के दुश्मनों को वहाँ आमंत्रित करा। उनमें से मेन थे राजा बीर सिंह जुदे बुंदेला, जो वहाँ गए। इनसे आके मिलता है और मीटिंग करता है कि महाराज हमारे पिता के नवरत्न है, नवरत्नों में से मेन है अबुल फजल, उसको आपको मानना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब अबुल फजल को मानने का सौदा तय हो गया है, अब आता है सन 1602। 1602 में जब अकबर अबुल फजल को ओरछा पे हमला करने के लिए भेजता है, तो झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता डबरा, डबरा के पास से सिंध नदी नरभर, गांव का नाम आतरी। उस जगह जब आके अबुल फजल रुका, तो जहांगीर ने इसकी जानकारी यहाँ के राजा बीर सिंह को दे दी। यहाँ के राजा ने वहाँ जा करके हमला बोल दिया, चंपत राय और बीर सिंह, तो वहाँ हमला अबुल फजल को मार दिया, उसका सिर काट के प्लेट में रख के फूल मालाओं के साथ बड़ौनी से इलाहाबाद भिजवा दिया चंपत राय के हाथों। अबुल फजल का सरकटा देखता है तब जहांगीर बहुत खुश हो जाता है, बदले में 5000 मनसबदारी दी, फिर महल बनाता जहांगीर महल 1605 से 1627 में। फिर बनने के बाद जहांगीर को आमंत्रित करा, एक भव्य कार्यक्रम हुआ और जो महल उसे सप्रेम भेंट किया, किसने, राजा बीर सिंह ने। तो वो जहांगीर भी उस टाइम पर भारत का राजा हो गया था, तो उसने यहाँ के राजा को पूरा बुंदेलखंड का राजा बनाया है। बुंदेलखंड में आता है इत चंबल इत नर्मदा इत यमुना इत टोस और छत्ता टोस से लड़न की रही ना काऊ होस, जो चंपत राय के लड़के थे छत्ता, इसका मतलब यमुना से चंबल तक और टोस से यमुना तक, ये नर्मदा ये पूरा जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया था, इस बुंदेलखंड के एरिया में रहते थे। अभी बुंदेलखंड के दो पार्ट हैं, ललितपुर झांसी बांदा महोबा जालौन जो उत्तर प्रदेश का है, निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सतना सागर डबरा दतिया वाला जी है मध्य प्रदेश का। तो आप जहाँ हैं मध्य प्रदेश से 8 किलोमीटर आगे उत्तर प्रदेश है, तो जहाँ आप खड़े जी अभिनंदन दरबार है, वो जी राजा महल का दीवान आम है जनता दरबार, इसके अंदर दीवान खास, पब्लिक मीटिंग हॉल, प्राइवेट मीटिंग हॉल जिसको हम बोलते हैं, इसमें फ्रेस्को पेंटिंग है 500 साल पुरानी, और जहांगीर महल में हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर है 400 वर्ष पुराना। महल जहांगीर का है, ना जहांगीर ने इसे बनाया है, ना जहांगीर यहाँ कभी रहा है, एज ए गेस्ट आया है और चला गया, लाहौर नाम दिया गया है। और कौन कौन से यहाँ पर इस तरह के महल हैं? इसमें मेन दो महल हैं, राजा महल जहांगीर महल, इसके अंदर 1602 में 16वीं शताब्दी का 17वीं शताब्दी का राय प्रवीण महल भी है, इसी उसी पीरियड का है चतुर्भुज मंदिर 1554 में कंप्लीट हुआ, राजा राम मंदिर जो रानी का महल उसी, चार मोनूमेंट एक पीरियड के हैं, बाकी के 17वीं-18वीं सदी के हैं। नदी के किनारे छतरियाँ भी हैं, वो भी 16वीं और 17वीं-18वीं सदी की हैं। तो जैसे जैसे उनके पिता पुत्र ऐसे हिसाब से सारी छतरियाँ बनाई हुई हैं, तो ये सब ओरछा भव्य चीज़ें देखने हैं। इसी तरह से लक्ष्मी मंदिर में जो पेंटिंग है, वो भी 1605 से 1622 में राजा बीर सिंह के द्वारा बनाया है, उसमें भी फ्रेस्को पेंटिंग्स है, म्यूरल पेंटिंग, रामायण महाभारतकालीन 17वीं शताब्दी की और 19वीं शताब्दी की उसके अंदर पेंटिंग्स है। ओरछा में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको दिखा सकते। इसको अब जैसे एक हेरिटेज होटल का भी दर्जा दिया जा रहा है, हेरिटेज होटल है भी यहाँ पर? हेरिटेज होटल वो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का है जी, ये 1985 से एमपी टूरिज्म में आया, इससे पहले था महाराजाओं का गेस्ट हाउस, क्योंकि यहाँ के भगवान को रानी का सौदा था, जहाँ हम रहेंगे आप नहीं रहेंगे, तो ये लोग टीकमगढ़ चले गए थे, क्योंकि यहाँ खाली कर दिया था एरिया, भगवान को सुपुर्द कर दिया, तब आते थे तो एक दो दिन इसमें रुकते थे, फिर वापस टीकमगढ़ चले जाते। फिर जो 1985 जब राजा राम यहाँ बन गए, तो यहाँ के जो राजा थे वो टीकमगढ़ चले, मधुगढ़ साहब 1783 टीकमगढ़ भगवंत सिंह चले गए थे। फिर जब वो आते थे तो इसमें रुकते थे एक या दो दिन के लिए, फिर वापस चले जाते थे। तो उसके बाद फिर कोई राजा इधर नहीं ओरछा में? नहीं, राजा नहीं, राजा तब से राम राजा, यहाँ के राजाओं की फैमिली आज भी है, लेकिन ओरछा पर शासक नहीं है, ना ओरछा उनके हैंडओवर, अब प्रशासन के अंडर में है। तो जो शीश महल है वो टूरिज्म का होटल है एमपी गवर्नमेंट का। मतलब अगर हम ये कहें कि भगवान राम के राजा बनने के बाद ओरछा में, इसके बाद फिर यहाँ का कोई राजा नहीं हुआ 1783 के बाद, यहाँ कोई राजा नहीं रहा 1783 के, यहाँ से लोग टीकमगढ़ चले गए थे, राजा रहे यहाँ के, लेकिन ओरछा पे शासक नहीं रहे, वो सिर्फ राम, भगवान राम के माध्यम से यहाँ का शासन राज का यहाँ के राजा थे, वो आज भी चल रहा है। वो बहुत भक्ति प्रभाव के थे, इसलिए इनका फैमिली आज भी है जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि ओरछा शायद उस महत्वपूर्ण स्थान जो है, जिसका हम इतना जिक्र कर रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी अगर हम देखें, तो ये एकमात्र ऐसी जगह देखने को मिलती है जहाँ भगवान को एक बार राजा बना देने के बाद कोई व्यक्ति राजा के तौर पर कभी नहीं रहा, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने ये शर्त रखी थी कि जब वो एक बार ओरछा के राजा बन जाएंगे तब दूसरा कोई और राजा नहीं होगा।
और इस परंपरा को आज भी उसी तरीके से निभाया जा रहा है। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर मंदिर में भगवान को दिया जाता है, इसकी जो परंपरा है इसको आगे जारी रखने का काम आज़ाद भारत में भी सरकारों ने किया है और ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसा यहाँ की मान्यता को मानते हुए हमेशा के लिए स्थापित कर दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे इस किले के बाद लक्ष्मी मंदिर, जो कि यहाँ की एक वास्तुकला का बेहद शानदार नमूना है और जिस तरह से चतुर्भुज मंदिर हो या कि राम राजा मंदिर हो या किला हो, उससे बेहतर ऐसा के लोग कहते हैं कि चतुर्भुज लक्ष्मी मंदिर होगा, जो कि श्रीयंत्र के रूप में जिसको स्थापित किया गया था और इसका आर्कियोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा इसकी जो है वो ज्यामिति या गणती गणना के आधार पर इसका महत्व है। तो आइए अब हमारा अगला पड़ाव होगा लक्ष्मी मंदिर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।